हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे धरती पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का पिघलना तय है, जिसका कारण धरती पे समुद्रों के किनारे बसे सारे शहर डूब जाएंगे। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 10,64,60,000 किलोमीटर है। यह विश्व का ठंडा और बर्फीला इलाका है, जिसका 58% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलती जा रही है, जिसका मुख्य कारण धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाने से है। वायुमंडल के तापमान में इसी बढ़ोतरी होने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा बर्फ अंटार्कटिका में पाया जाता है, जो पूरे पृथ्वी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। लगभग एक तिहाई। अगर ये सारा बर्फ पिघल जाए तो अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पोलर बियर, पेंगुइन जैसे जीवों का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसका कारण सिर्फ हम और हम होंगे। अगर हम प्रदूषण को रोकना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य मिले, तो हमें कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना होगा, कम से कम वनों को काटना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करना होगा, जैसे कि बायोगैस, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि। तो जैसा कि आपने देखा, इस धरती के विनाश का कारण हम मनुष्य जाति ही हैं और हम मनुष्य जाति ही इस धरती को इस कठिनाई से उबार सकते हैं। तो अब यह हम पर निर्भर करता है, हम इसका विनाश चाहते हैं या सृजन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।